एक साथ में मिक्स किए दे रही हूँ ताकि डालने में आसानी होगी मुझे। और नमस्ते दर्शकों और मेरी प्यारी सहेलियों, आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रही होंगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ऑयल के बारे में बताऊंगी और उसको प्रिपेयर करना भी सिखाऊंगी जो कि आपके बालों में पिगमेंट देगा, जिससे कि आपके जो ग्रे हेयर्स हैं अभी निकल रहे हैं, फिर वो नीचे से आपके ब्लैक निकलने लग जाएंगे, वही रूट से ब्लैक हो जाएंगे वो बाल। हम बालों को ऐसे पिगमेंट्स देंगे उस ऑयल के थ्रू। तो प्रिपेयर करना बताऊंगी, लगा के भी बताऊंगी और पूरा मेथड में, एक होल पूरा मेथड में आप लोगों को बताऊंगी। आप भी मेरे साथ 3 मंथ्स चैलेंज लीजिए और अपने बालों को ग्रे टू ब्लैक की तरफ कन्वर्ट कीजिए, थिक बनाइए अपने बालों को। तो ये 3 महीने का पूरा प्रोसीजर रहेगा, इसके बाद आप रिजल्ट बताइएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को मुझसे पहले ये रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मेरी जो स्कैल्प है वो ऑयली है, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं ऑयल लगाने के लिए। बनाइए घर पे, यूज़ कीजिए और मेरे साथ आप भी इसको रेगुलरली 3 मंथ्स तक ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को ढूंढ के मुझे थैंक्स कहने आएंगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, चलते हैं। तो देखिए, ये है आंवला पाउडर और ये हरड़ और बहेड़ा का पाउडर है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये कड़ी पत्ता है, ये है मेहंदी पाउडर, ये मेहंदी पाउडर, ये हिबिस्कस पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, ये है इंडिगो पाउडर, और ये बीच में जो है ब्लैक ब्लैक कलौंजी का पाउडर है, और ये हम अलग से ले रहे हैं रोज़मेरी का पाउडर। तो इतनी सारी चीज़ें हमको चाहिए होंगी, एक साथ में मिक्स किए दे रही हूँ ताकि डालने में आसानी होगी मुझे। और इसे भी मिक्स कर देती हूँ। और ये सारी चीज़ें एक साथ करके तेल में डालते जाएंगे। ये मैंने ठीक से मिक्स नहीं किया है, क्योंकि हम तेल में इसको डाल करके तेल को मिक्स करेंगे ही, तो ये आसानी से। तो ये देखिए, हमारा तेल 1 दिन धूप में रखने के बाद कैसा दिखता है चेक करते हैं। इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है, हालांकि इसे पूरा बहुत अच्छे से धूप नहीं मिल पाई है। आपको 1 दिन पूरा धूप में रखिए, उसके बाद इसका यूज़ कीजिए। अब मैं रेडी हूँ, अपने बालों में ऑयलिंग करके दिखाऊंगी आपको, और इसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो आप ऑयलिंग करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑयलिंग करने के बाद कंघी नहीं करनी है। देखिए, मैं पहले जड़ों में लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। 3 महीने में आपको फर्क नजर आएगा, 100% आपको 3 महीने में फर्क नजर आने वाला है। बहुत अच्छे से पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी स्कैल्प को। और जो रोजमेरी है वो तो DHT ब्लॉकर का काम कर रही है, जिससे कि हमारे बालों तक जो हमने हर्ब्स ऑयल में डाले हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें, और जो हमारी जड़ों में रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें, जो भी हमने जड़ी बूटियां डाली हैं उसके गुणों को। तो इसके लिए DHT ब्लॉकर बहुत ज़रूरी होता है, और
और रोज़मेरी सबसे बेस्ट है। इसके अलावा हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं DHT ब्लॉकर, जैसे कि कद्दू के बीज खाइए आप, ग्रीन टी का सिरम लगाइए बालों में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टमाटर खाइए, पपीता खाइए, इन सारी चीज़ों में DHT ब्लॉकर होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके बालों की जड़ों को पोषण को अवशोषण करने की शक्ति मिलती है, और अगर DHT ब्लॉकर्स ने ब्लॉक कर रखा है आपके बालों की जड़ों को, तो वो फिर सिकुड़ जाती हैं जड़ें बालों की, और आपके बाल बाहर निकल जाते हैं। मैंने पूरे लेंथ तक अपने ऑयलिंग कर ली है। आपको ये हेयर ऑयलिंग हफ्ते में कम से कम एक बार करनी है। अगर आप और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2 बार करिए। आप जब भी हेयर वॉश कीजिए उससे पहले ये सारे प्रोसेस कर सकती हैं, फ्री हैं अगर आप, तो इससे और भी जल्दी रिजल्ट आएगा। वरना तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे कीजिए, बस रिजल्ट आने में थोड़ी देर लगेगी, बाकी इसके असर तो उसी तरह होने वाले हैं। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि हमें अभी क्या करना है। अब मैं इसको टॉवल को बहुत गर्म पानी में डुबा दिया था, उबलते हुए पानी में, और उसके बाद इसको लपेट लिया है, और ये जब तक गर्म रहेगा तब तक मैं इसको रखूँगी, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑयल है उसके विटामिन्स हैं वो अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये बालों को एकदम से मुलायम। आपको पता है कि स्पा कितना इफ़ेक्टिव होता है हमारे बालों और स्कैल्प के लिए, तो ये उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। घर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, तो ये आप मैंने जो किया आप वैसा ही कीजिए। हॉट टॉवल लगाइए और उसके बाद आप धो सकते हैं इसको, अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आप ये पूरा प्रोसेस हफ्ते में एक बार करें कम से कम, और अगर आप फ्री हैं, आपके पास रहता है टाइम, आप घर पे होती हैं, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए। जितनी बार आप यूज़ करेंगी उतना अच्छा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, आपको रिज़ल्ट भी अच्छे से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप मेरे साथ ये चैलेंज लीजिए कि 3 मंथ चैलेंज, और आपके बालों से सारे प्रॉब्लम्स, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम स्पेशली, और बाल जो झड़ रहे हैं वो क्योर होगा, इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ। और आपके बाल थिकर होंगे, रीग्रोथ होगी बालों की, ये 3 चीज़ तो बिल्कुल कवर करेगा ये रेमेडी। इसके लिए आप यूज़ कीजिए और बताइए, मेरे साथ चैलेंज लीजिए और मेरे साथ चैलेंज में शामिल होइए। तो आप रिज़ल्ट के लिए तैयार हैं, ये देखिए हेयर वॉश कर लिए हैं मैंने, और हेयर्स की मेरी ड्राइनेस चली गई है पूरी तरह से। ये देखिए अभी गीले हैं बाल, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आप देख लीजिए एंड तक बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है, और सूखने के बाद जो है फाइनल आपको पता चलेगा। तो 3 महीने के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट वाला वीडियो बना करके बताऊँगी कि क्या असर हुआ है इस तेल को लगाने के बाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 3 महीने के बाद।